हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। कोरोना वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आई एम सुजीत कुमार, एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जी, यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला, उद्धार मिला, अनंत काल का जीवन यीशु मसीह ने दिया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहाया, कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा। इतना प्रेम, इतना प्यार यीशु मसीह ने हम सभी से इतना किया कि उसने अपनी जान दे दी। उसने साबित करके दिखा दिया कि वह हम सभी से कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है। उसने अपनी जान दे साबित करके दिखा दिया। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो करुणानिधि परमेश्वर है। आपके आंसुओं को, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को यीशु मसीह दूर करेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरे नाम से मांग कर देख, पूरे विश्वास के मांग के तो देख, मैं तुझे क्यों ना दूंगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यदि विश्वास करता है, यदि विश्वास करती है, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सभी को यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। यीशु मसीह हमारे जीवनों में जो दुख है, जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है, वो ज्यों का त्यों कर देगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी इच्छाओं को, तेरी जरूरतों को, तेरे मनों को, मैं जानता हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, अगर आप संकट संकेति में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। यीशु मसीह ने कहा है, देख मैंने तेरे रोगों को, तेरे दुखों को निश्चय मैंने उठा लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे मांगना नहीं, मैं तुझे देने वाला बना दूंगा। यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यदि विश्वास करता है तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को विश्वास करना है, अपने मुंह से, अपने जीवनों में उन बंधनों को तोड़ना है, हर एक सैतानी बंधन, हर एक कराधरा के बंधन, हर एक जादू टोना के बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है, खंडित करना है, आउट करना है, विफल करना है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा कांपती हैं। उनकी औकात नहीं है कि यीशु मसीह के सामने खड़े रह सकें, टिक सकें। वो इतना तेजो में सब परमेश्वर है, उसकी सामर्थ, उसकी ब्लेसिंग, उसकी पावर आपको छुएगी, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, यीशु मसीह आपको छुएगा। आपके जीवन से, आपके लाइफ से वे बंधन टूट जाएंगे, हर एक बीमारी के बंधन जल जाएंगे, हर एक कराधरा के बंधन जल जाएंगे, हर शैतानी बंधन जल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि मेरे प्रियजन, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, दुष्ट आत्मा कांपती हैं। उनकी औकात नहीं है कि यीशु मसीह के सामने खड़े रह सकें, टिक सकें। वो इतना महान परमेश्वर है, वो इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो करुणानिधान परमेश्वर है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे क्यों ना दूंगा। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्यार करता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है, तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तुम मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, यीशु मसीह ने कहा है। मेरे प्रियजन, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों पर चलना है, उसकी ओर ध्यान देना है, उसकी ओर दृष्टि करना है। यीशु मसीह हम सभी को बुलाता है, नाम लेके बुलाता है,
यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया मेरे प्रिय जन। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, ओ महान परमेश्वर है, वो हम सभी को अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर लाना चाहता है, वह नाम लेके बुलाता है। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्रियों, मेरी सुनो और अनंत काल का जीवन पाओ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियजनों, प्राणों को आँख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता, आप महान हैं, मेरे पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जो आपने यीशु पापा हम सभी को मेरे पिता जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। यस, हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते यीशु राजा। मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे प्रभु, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपनी माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, एक अनंत काल का जीवन दिया है, स्वच्छ जीवन दिया है, नाम लेके बुलाया है, आपने कहा है तू मेरा ही है। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई बहन अपने फोन पर, मोबाइल पे, ऑनलाइन सुन रहे हैं यीशु मसीह, मेरे पिता, आपके दास होने के नाते, आपके पुत्र होने के नाते मेरे पिता, इन मसीह भाई बहनों के जीवनों में आदेश देते मेरे पिता, ये मसीह भाई बहन चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया, मेरे पिता, आपके नाम से पिता लोग चंगे होते हैं पिता, जिन्हें कैंसर, गिल्टी, रसोलिया, पथरिया, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है पिता, ये नहीं चंगे हो रहे यीशु मसीह, ये नहीं आजाद हो रहे यीशु मसीह, आज इनके जीवनों में यीशु मसीह वो चमत्कार आने पाए, वो बदलाव आने पाए, वो आजादी आने पाए, वो छुटकारा होने पाए, वो छुटकारा नजदीक आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 पवित्र मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं मेरे पिता, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवनों में पिता वो चंगाई उंडेल दे पिता, वो सामर्थ्य उंडेल दे, ताचमी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, ताचमी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, हर एक जनों को छू ले पिता, ये आजाद होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, जिन कानों तेरे प्रार्थना पहुंच रही, आवाज पहुंच रही, उसमें से एकदम से ये आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो कमाने लेने मेरे पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता अन्य जातियों से उधार ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, मांग रहे पिता, इधर उधर पिता भटक रहे पिता, ये अन्य जातियों से उधार ना ले नहीं पाए, सहायता ना ले नहीं पाए मेरे पिता। आपने कहा श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर भरोसा रखता है मेरे प्रभु। आप इनकी सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, रक्षा करें मेरे पिता। आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे। यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं यीशु मसीह। इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के ऊपर पिता आशीष से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, वो पवित्र आत्मा जी दीजिए, इनकी सहायता करे पिता, मदद करे पिता, अगुवाई करे पिता, रक्षा करे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं होती पिता, जो शादी को लेकर टूट चुके हैं, बिखर चुके पिता, जो शादी को लेकर टूट चुके, बिखर चुके पिता, जो इधर ताक झाक में लगे पिता, ताक झाक में ना लगे रहने पाए, शैतान है नाश ना करने पाए, शैतान बर्बाद ना करने पाए, क्योंकि शैतान तो पिता बर्बाद करने पर, नाश करने पर, फाड़ना नोचने में लगा हुआ है मेरे पिता। मेरे पिता, आपके वचनों के अनुसार पिता इन मसीह भाई बहनों के पिता शादियाँ हो जाए पिता, और एक अच्छा नेक स्वच्छ जीवन आपके वचनों के अनुसार जीवन जीने पाए इस मसीह के नाम से।
मेरे पिता आपने कहा है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छा है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। यीशु पापा आप जानते मेरे पिता प्रार्थना करते पिता, जो मसीह भाई आपसे कुछ मांग रहे पिता, जो कुंडे टेक के बैठे पिता, जो रो रहे हैं आप इनके आंसू को देख लिए जी पिता, इनके आंसू को देखिए, इनके रोने बिलखने चिल्लाने को आप देख लीजिए पिता, आपने दीजिए पिता, आपने छू लीजिए, टच मी होली स्पिरिट, टच मी होली स्पिरिट। मेरे पिता जिनके घर में दुष्ट आत्मा गंदी आत्माओं के बंधन है, हर करादरा के बंधन है, सुमसी के नाम से वे बंधन जल जाए, वे बंधन जल जाए सुमसी के नाम से। मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह भाई रात में नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता भय लगता गंदे सपने आते प्रभु, जब लेटे पापा तब इन सुख की नींद नहीं पाए प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आ गई, अचानक आने ले भाई से न डरना। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है यीशु पापा आपने प्रार्थना को सुना है पिता, ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के मीठे और पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।